तो फ्रेंड्स हम दोनों निकल गए हैं खेतों के सिर पे। आज मौसम बहुत अच्छा है, बरसात भी है आज काफ़ी दिनों के बाद, बादल छाए हुए हैं और बरसात आने की संभावना हो रही है। थोड़ी सी बरसात से खेतों में रौनक आ गई, ज़रूरत है भी जरूरत है फसलों भी को, बरसात की फसलों को। बरसात की। अभी अगर बरसात अच्छे से हो जाती है तो सारी फसलें जो है अच्छे से पक जाएंगी, इसलिए बरसात होना बहुत ज़रूरी है। अब ये है बदमाश डब्बू के खिलौने, ये डंप ट्रक है उसका, ब्लू कलर का न्यू वर्जन, लेटेस्ट वर्जन। ये उसका जेट प्लेन, उसका ट्रैक्टर, फेवरेट ट्रैक्टर, रेड कलर का फेवरेट ट्रैक्टर है उसका, जॉन डियर का, जो हमेशा उसके साथ रहता है, हमेशा हमेशा कहीं पे भी जाएगा, उसके घूमने भी जाएगा बाहर तो उसको डंप ट्रक को साथ में लेके जाएगा, इसके बगैर वो जाता ही नहीं है। ऐसे लगता है कि इसके बगैर तो डब्बू अधूरा है। दूसरों को भी ध्यान रखना पड़ता है, खैर वो खुद ही ध्यान रख लेता है, नहीं दूसरों को ध्यान रखना पड़ता है कि कहीं उसका जो है ट्रैक्टर नहीं रह तो रही गया है। देखो खेल रहा है सुबह सुबह डब्बू अपने खिलौनों से। यहाँ पे सब्जी बनने की तैयारी हो रही है, मॉर्निंग मेनू तैयार हो रहा है खाने का। अब हम चलते हैं बाहर, बाहर देखते हैं बाहर का नज़ारा कैसा है। अब हम आपको आज इंट्रोडक्शन कराते हैं हमारे अपने बेर का। ये है एप्पल बेर, इसके देखो फल आ चुके हैं, सॉरी सॉरी इसके अभी जो हैं फूल आ चुके हैं, आप थोड़े दिनों में फल बनने लग जाएंगे। इसके मोटे मोटे बेर आते हैं, आप 2 या 3 बेर खाओगे जिसमें फूल हो जाओगे। ये देखो ये अपना पडुला पडुला कर रहा है, हेलो गाइस। और ये भी अपना जो है शॉर्ट्स बनाना चाहता है। और ये है पडुले की मम्मी जो अभी ब्रेकफास्ट कर रही है। ये अपने भैंसों का जो है ओपन तबेला है, खुला तबेला है, अभी गर्मी के दिन है इसलिए इनको ओपन तबेले में रखा जाता है ताकि इनको जो है खुला माहौल मिले, ठंडी पेड़ पौधों की छाया हैं इनके ऊपर उसमें रखा जाता है इनको। बहुत दिनों के बाद आज बरसात हुई है, इसकी वजह से अब मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है, आसमान में बादल हैं और बरसात होने की और संभावना हो रही है। फसलों को बहुत राहत मिली इस बरसात से और फसलें जो है हमारी इस स्टेज पे आ गई है, धान की फसल जो है इसमें पूरे धान पे फलियां फलियां आ गई है। और देखो बिल्कुल साफ़ सुथरा मौसम है, आसमान में बादल जो हैं बिल्कुल साफ साफ दिख रहे हैं, बिल्कुल वाइट कलर के बादल हैं, लग रहा है कि जैसे ये बरसने के लिए तैयार हो। और ये हमारा रेजिडेंस लहलहाते खेत, वाह क्या नज़ारा है मस्त। अरे जीजी जो है गार्डन में सूर्यांश को झुला रही है, मज़े ले रहा है सूर्यांश, इसका डेली रूटीन है, गार्डन में आता है बदमाश और झूला झूलता ही झूलता है ये रोज़ाना, झूला झूले बगैर इससे रहा नहीं जाता। किसी को याद आया नहीं आए, इसको ज़रूर याद आ जाती है झूला झूलने की, देखो कितना मज़े कर रहा है दांत निकाल रहा है दांत डू, बहुत मज़ा आ रहा है। जी भी एंजॉय कर रही है इसको। अब आ गया हमारे खाने का समय, ये देखो बदमाश परोस रहा है खाना। जी कह रही है अरे भैया मेरे खाना परोस दो, और बड़े बड़े उत्साह से खाना परोस रहा है सूर्यांश। ये देखो सभी के प्लेट लगा रहा है कितना मज़ा आ रहा है इसको प्लेट लगाने में। तो फ्रेंड्स अब ये हम जो है शाम के टाइम हमें जो है धान में पानी देखना होता है, तो ये रात का समय है, अभी लाइट आई हुई है तो हम जो ट्यूबवेल जो खेतों में पानी दे रहा है उसको देख के वापस आए हुए हैं। ये नरेश जो है कुएं में देख रहा है कि कभी कभी जो है लगातार ट्यूबवेल चलने की वजह से कुएं में पानी जो है कम हो जाता है, तो बीच बीच में इसको भी देखना पड़ता है, देखते हैं कुएं में कितना पानी है। टॉर्च जला के देख रहा है नरेश, अभी तो है पानी, पानी जो है अभी है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो ये अपने ट्यूबवेल का मीटर बोर्ड है, और ये देखो टफी भी जो है कोई भी परिवार का सदस्य अगर रात में उठता है तो पूरी मुस्तैदी के साथ उसके साथ रहती है और रखवाली करती है।